हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूजीसी नेट के चैनल पर। और यहाँ पर मैं हूँ आपकी आज की एजुकेटर सोनम नागर। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। मेरा नाम है सोनम नागर और मैंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है पहली अटेम्प्ट में। और मैं कॉमर्स पढ़ा चुकी हूँ और कॉमर्स का सब्जेक्ट आज हम जो लेने वाले हैं उसमें हम आज बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर चुके हैं, यानी किसने फॉरेन करेंसी में अभी तक काम कर लिया है या जो करना चाहते हैं। तो अगर आप ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहते हैं तो ये एक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं अन अकेडमी के बारे में, जिसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें जान पा रहे हो। तो अन अकेडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये सभी को पता है। अभी अन अकेडमी ज्वाइन क्यों करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो अन अकेडमी पे आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, यानी आपको यहाँ पर डेली जैसे आप कोई ऑफलाइन क्लास में जाकर पढ़ते हो उसी तरीके से आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेली जो है टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, जिससे आप अपने जो है प्रिपरेशन को और अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं, और अगर नहीं तो उसे आसानी से वापस करेक्ट किया जा सकता है। देन यहाँ पर जो भी कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहेंगे। कोई भी हैपजार्डली आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाएगा, सारा कुछ यहाँ पे एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स तैयार किया जाएगा और वो आप तक पहुँचाया जाएगा, सो दैट आप उसका सबसे ज़्यादा अधिक बेनिफिट ले सको और अपने एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सको, क्योंकि वो सारा कोर्स जो है आपके एग्जाम के सिलेबस के बेसिस पे ही जो है तैयार किया जाता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चीज़ जो मिलने वाली है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। फ्रेंड्स, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपको सिर्फ एक ही जगह पे एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और वो एक सब्सक्रिप्शन से आप जो है हर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो बाहर आपको अगर कोई पर्टिकुलर पेपर वन लेना है तो उसकी फ़ीस अलग होती है, पेपर टू में कोई सब्जेक्ट लेना है तो उसकी अलग फ़ीस होती है और एक ही एजुकेटर आपको पढ़ाता है राइट उस फीस में पर्टिकुलरली। यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ल्ड के इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो सारे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन में। वन सब्सक्रिप्शन विल गेट यू एक्सेस टू अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव क्लासेस। तो इतने सारे फ़ायदे हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया के कई टॉप एजुकेटर्स जुड़े हैं जो आपको अलग अलग कोर्सेज करा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कॉमर्स का, जनरल पेपर ऑन टीचिंग का, देन मैनेजमेंट का। तो कई सारे कोर्सेज हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर आप एक्सेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, यही नहीं, आप जो है यहाँ पर किसी भी कोर्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हो विथ योर कन्वीनियंस। मतलब आप अगर चाहते हो कि आप लाइव क्लास अटेंड करो और अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करो, जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो कई सारे दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, राखी जी, रुचिका जी, अभिलाष, मीरा, शिव हरी, साक्षी यादव, आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप यहाँ पर आए हो। और उसके अलावा गुड आफ्टरनून और वेलकम आप सभी को। तो आप इस तरीके से लाइव जो है अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पॉसिबल नहीं है लाइव क्लास लेना तो आप जो है ऑफलाइन उसको रिकॉर्डेड वर्जन उसका जो है सुन सकते हो। सब्सक्राइब कैसे करना है? आपको ऐप में जाना है और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अलग अलग जो है मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले। क्यों? क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कम टाइम पीरियड में प्रेपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, ज़्यादा टाइम पीरियड आपको मिलेगा और आप जो है एकदम डिटेल में स्टडी कर सकोगे। उसके अलावा 12 मंथ्स का अगर आप देखो तो पर मंथ कॉस्ट भी आपको काफ़ी कम पड़ेगा व्हेन कंपैरेटिवली जो आप 1 मंथ 3 मंथ्स का अगर लेते हो तो। यही नहीं, आपके पास जो है SN11 ये कोड एक दिया हुआ है SN11। जी फ्रेंड्स, ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो आपका ओवरऑल जो है अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट है 12 मंथ्स का सिर्फ 9450। उसके अलावा
जैसे मैंने आपको कहा था, अधिक से अधिक जो है समय के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक महीने का खाली आप अमाउंट भरते हो तो 12 मंथ्स के बदले आपको 24 मंथ्स का जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब ये जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलेगा 12,600 के लिए। अभी 12,600 के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास ये कोड है SN11, ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 10% डिस्काउंट होने के बाद आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ेगा 11,340। अब ये 11,340 फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है फॉर ऑल द कोर्सेज, Paper 1, Paper 2 सभी कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जानते हो अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है एंड आप कहीं बाहर जाके वैसे ही कोई कोर्स नहीं कर सकते हो, ना ही कोई दूसरी चीज़ें कर सकते हो जो आप रेगुलर रूटीन में करते थे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले और सारे कोर्स को एक्सेस करें, क्योंकि इस बार तो हमें JRF लेना ही लेना है, राइट? तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्या है ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पैसा, जैसे इंडिया का पैसा, मतलब इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, इंडिया में रुपीज़ चलता है। तो अगर रुपीज़ के अलावा हम किसी और कंट्री का, यानी कोई भी मनी डिनोमिनेशन इन द अदर नेशंस करेंसी, जैसे कोई एक नेशन का या बहुत सारे नेशन की करेंसी में डील कर रहे हैं, तो हम उसे फॉरेन एक्सचेंज का नाम देंगे, फॉरेन करेंसी जिसे हम कहते हैं। तो वो फॉरेन करेंसी को जब हम इंडियन रुपीज़ के साथ कन्वर्ट करते हैं या उसे ऐसे ही रखते हैं, वो सारा फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से हम रेगुलेट या मैनेज करेंगे वो इस एक्ट के अंदर हमें बताया गया है। अब फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ मनी डिनोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ अदर नेशन या ग्रुप ऑफ नेशंस। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉरेन एक्सचेंज का, जैसे यूरो है, डॉलर है, ये सारे अगर करेंसीज के साथ आप डील कर रहे हो देन इट कम्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज किसी भी रूप में हो सकता है, ये जो है आप कैश में ले सकते हो, राइट? फंड्स जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह में है, ट्रैवलर्स चेक्स जो होते हैं, या कोई बैंक डिपॉजिट है, या कोई भी शॉर्ट टर्म क्लेम, ये सारा कुछ, यानी डिजिटल मनी और करेंसी फिजिकल फॉर्म में, ये सभी कुछ जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काउंट हो जाता है। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो या करना चाहते हो या जो है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको ये एक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप जो है सिलेबस के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ था। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया है दोनों हाउस के साथ। तो ये मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। दिस इज़ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ एप्लीकेबल पूरे इंडिया पे, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अभी ये एक्ट क्यों पास किया गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ भी जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको भी मेरा गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। आई होप आप सब लोग अपने घर में हो और सुरक्षित हो। स्टे होम, स्टे सेफ, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और साथ ही अपने देश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू। जी हाँ, साक्षी जी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, फेमा। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब मैं इतना लंबा नाम हर बार नहीं लूँगी ये पूरे सेशन में, हम इसे शॉर्ट में फेमा के नाम से जो है यहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, ये फेमा एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है जो दोनों हाउस में पास किया गया है। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया सो दैट जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए एक जो है लॉ बनाना चाहिए था, और जो लॉ ऑलरेडी इन प्लेस था। अब मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ, जनरली हर एक एक्ट जो है किसी एक्ट को रिप्लेस नहीं करता है, पर ये एक एक्ट, ध्यान से सुनिए, ये एक एक्ट जो है पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, यानी इससे पहले एक ऑलरेडी लॉ था जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए बना हुआ था, बट उसको हटाकर इस एक्ट को लाया गया। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अभी ये एक्ट जो है इसको इसीलिए बनाया है तो ये कंसोलिडेट कर सके और चेंज कर सके, कोई भी अगर चेंजेस हमको लाने हैं लॉ में, जो भी लॉ चल रहा है उसमें,
जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हमको बेसिकली एक साथ कंसोलिडेट करना है और कोई भी चेंजेस जो जरूरी है उस लॉ में लाने के लिए वो नोटिफिकेशंस के थ्रू हम लाएंगे इस एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है यानी हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए या यहाँ से जो जा रहा है यानी जो भी ट्रेड हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उसको हमें फैसिलिटेट करना है, उसको जो है हमें फैसिलिटीज़ देनी है और प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है सो दैट हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इंडिया में वो डेवलप हो सके, अच्छे से उसका मेंटेनेंस हो सके और वो डेवलप हो सके। इनफैक्ट ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, जैसे मैंने बोला था ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो इनबाउंड इन्वेस्टमेंट्स और आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, इनबाउंड इन्वेस्टमेंट्स यानी जो बाहर के देशों से अपने पास आ रहा है, आउटबाउंड यानी जो बाहर जा रहा है इंडिया से, और उसके साथ साथ कोई भी ट्रेड और बिजनेस जो है इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो चालू है वो सबके साथ जो है डील करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। अब आप बोलेंगे मैम कि ऑलरेडी जब कोई एक्ट था तो उसको हटाकर इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए पहले क्या होता था, अगर आप पहले की स्कूल्स को याद करो, पहले की पाठशालाओं को देखो, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है बच्चों के कान खींचा जाते थे, उनको मारा भी जाता था स्टिक से। आपको अगर याद होगा तो पुराने टीचर्स की अगर आप छवि याद करो तो उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी हमेशा, कायम उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी और उनको स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करना पड़ता था, तो ये स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करके वो पढ़ाया करते थे। तो ये पहले का ट्रेंड था, पहले स्कूल्स में मारा जाता था और इनफैक्ट पेरेंट्स बोलते थे कि अरे आप इसको जो है मार कर सुधारो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब अगर आप देखो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है, अब किसी भी स्कूल में अगर कोई टीचर ने बच्चों को हाथ भी लगा दिया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उनके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। तो ये ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है और उसके बेसिस पे जो है रूल्स भी चेंज कर दिए स्कूल ने, पहले स्कूल्स में मारना अलाउड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब अगर कोई टीचर मारते हैं या डांटते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है स्कूल के रूल्स के हिसाब से, यानी स्कूल के रूल्स भी चेंज हो गए ट्रेंड के हिसाब से, राइट। इनफैक्ट आप ऐसे देख लीजिए इसको कि अगर आप किसी के घर जाते हो एज अ मेहमान, मतलब एक जो है आप वहाँ पे जा रहे हो और आपको जो है वहाँ जाते ही रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे बैठो, यहाँ पे मत छुओ, अरे ये क्या देख रहे हो, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाना? डेफिनेटली नॉट। तो उसी तरीके से इंडिया में जो पुराना एक्ट था जिसको हम फेरा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, ये जो 1973 से चला आ रहा है, ये एक्ट जो है फ्रेंड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट था, काफ़ी स्ट्रिंजेंट था। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी के घर जाते हो तो आपको नहीं अच्छा लगता है अगर वो आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, आप वहाँ पे वापस जाना पसंद नहीं करोगे। इनफैक्ट आपके ही घर पे अगर आपको बोला जाए कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, आप खुद वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हो, जनरली आजकल ऐसा होता है। और डेफिनेटली सबको अपना इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे अगर आपके ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, तो उसी तरीके से बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे फेरा में जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रहा था। पवित्रा जैन जी, हाँ क्लास डेली होगी 12 बजे इसी टाइम पे। मैम आप कॉमर्स पेपर 2 कंप्लीट करवाएंगी? जी हाँ, कॉमर्स पेपर 2 मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। यूट्यूब पे तो जैसे जैसे आप देखोगे कि क्लासेस हमारे प्रोसीड होंगे, मैं वैसे वैसे जो जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अटेंड करने चाहिए वो सारे आप देखोगे। उसके अलावा आप अनअकैडमी पे भी बहुत ही जल्द जो है मेरा कोर्स लॉन्च होगा, उसमें आप अगर सब्सक्राइब करके जो है रजिस्टर करते हो तो उसमें आप कंप्लीट कोर्स देख सकोगे, हम काफ़ी सारी चीज़ें उसमें करेंगे, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो कमिंग बैक टू फेरा, तो जैसे मैंने कहा फेरा जो 1973 से चला आ रहा था वो उस टाइम के हिसाब से शायद काफ़ी सही था, क्योंकि उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लाने बहुत ज़रूरी थे। बट जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो ग्लोबलाइजेशन आ गया है, यानी आप देखोगे तो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन गया है, यानी सिर्फ इंडिया तक अब जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेड के, अब इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स काफ़ी सारे जो है होते रहते हैं। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के कारण हमने लिबरलाइजेशन भी लाया है, लिबरलाइजेशन यानी थोड़ी सी छूट दे देना।
तो ऐसे लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ कोई एक्ट लेकर आते हो तो फिर जो हमें रिजल्ट्स चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट था, जिस तरीके का जो है हमें रिक्वायरमेंट था, उस तरीके के रिक्वायरमेंट के लिए हमने फेरा को हटा दिया, रिपील कर दिया एक्ट को, और उसके बदले आया है फेमा। अब हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो इंडिया में 1973 में पास हुआ था, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, बहुत कड़क नियम थे उसके। कोई भी पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज से जब डील करते हैं उससे रिलेटेड, कोई भी सिक्योरिटीज़ या उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है काफ़ी उसके रूल्स बहुत ज़्यादा, नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और जिसके कारण हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी, ये सब कुछ जो है ठप होते जा रहा था। अब ये उस टाइम पे बिल इसीलिए पास किया गया था क्योंकि हमें वो रेगुलराइज करना था उस समय, 1973 की मैं बात कर रही हूँ। 1973 में ये पास हुआ था, बट इसको इन इफेक्ट लाया गया था January 1, 1974, यानी 1 जैन 1974 में आप देखोगे कि फेरा आया था। ये इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में लेकर आया हुआ था एक्ट, तो इसीलिए फेरा को अब रिप्लेस कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर 1999 में। तो फेरा डिड नॉट सक्सीड इन रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़, तो एक्सपेंशन नहीं हो पाता था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का, और जो सारे चीज़ें थी वो रिडंडेंट हो गई थी, काम की नहीं थी अब उसमें। तो फेरा में अमेंडमेंट्स लाए गए बट फिर भी वो काम का नहीं था, तो इसीलिए हमने टोटली वो एक्ट को हटा दिया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट ने, और उसको रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ लिबरलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। मतलब अब आप वर्ड में भी डिफरेंस देख लीजिए, इसमें मैनेजमेंट है, उसमें रेगुलेशन है। मैनेज करना काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, बट रेगुलेट करना यानी इम्पोज करना, रूल्स जो है थोपना। जैसे आप अगर देखते हो ना कि लीडर जो है वो अलग होता है, लीडर जो है डिफरेंट होता है, और बॉस डिफरेंट होता है, तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया गया था विथ अ पॉजिटिव नोट, ये सोच कर कि उससे जो है हमें लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में काफ़ी हेल्प होगी। अब जो बाइंग एंड सेलिंग होती थी फॉरेन करेंसी की या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट की, बिजनेस कम्युनिटी की या कोई इंडिविजुअल से या गवर्नमेंट से, वो फॉरेन मार्केट में जब होती थी उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, पर अब होने के कारण जो है ये फेमा आया है अपने पास। तो अब ये फॉरेन एक्सचेंज की हिस्ट्री हमने देखी, एक बार वापस इसको जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में एनैक्ट हुआ था, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, जिसमें कई सारे पेमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो है हमारा इम्पैक्ट हो गया था, जिससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा काफ़ी लो हो चुका था। ये पर्टिकुलर एक्ट, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्ट जो है वो अलग था, इसमें हमको जो है प्रमोट करना है, हमारे ट्रेड फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करना है, हमको बढ़ाना है हमारा मार्केट। पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था फेरा का, वो ये था कि हमको रेगुलेट करना है, हमको जो है रूल्स बनाने हैं, उसको रोक कर रखना है, नियम कानून से उसको जो है पेमेंट्स को, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते थे उन सबको जो है रेगुलेट करना था। और 1999 में इसको रिपील कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट ने, और उसके बदले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया गया। अब देखिए, इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, WTO फॉर्म होने के बाद, जो भी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी ट्रेड रिलेटेड रूल्स एंड ऑल है, वो WTO के थ्रू जो भी फ्रेमवर्क वगैरह डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा चलना पड़ता है। तो उनके फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हमें चलना होता तो ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो एक्ट था पुराना वाला, उसको हटाकर मैनेजमेंट एक्ट लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं आपको डिफरेंसेस समझाऊंगी, और ये जानना भी ज़रूरी है मैम, आपके हिसाब से ये टॉपिक, मतलब यूनिट वन फ्रॉम पेपर टू से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एनालिसिस के हिसाब से? रोहन जी, देखिए, यूनिट, हर एक यूनिट से जैसे मैंने बोला एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं हर अटेम्प्ट में। तो जैसे पेपर वन में कंपलसरी 5 क्वेश्चंस का जो है ट्रेंड है, वैसा पेपर टू में नहीं है। तो आप देखोगे किसी यूनिट से 12 क्वेश्चंस पुटअप हुए थे पिछले अटेम्प्ट में, किसी यूनिट से जो है
8 क्वेश्चंस पुट अप हुए थे, किसी यूनिट से 10 क्वेश्चन पुट अप हुए थे, तो आप ये सोच के चल सकते हो कि मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस तो ये यूनिट से आने ही वाले हैं आपके पास. MRTP एक्ट जो है वो मोनोपोलीज रेगुलेशन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है, वो इंडिया के लिए हद तक लिमिटेड है, मतलब सिर्फ इंडियन ट्रेड्स एंड ऑल के लिए, पर वो भी काफ़ी पुराना एक्ट है. उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी आगे आने वाले सेशंस में, बट अभी के लिए हम लोग जो है अभी फेमा और फेरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जी रोहित जी, ये पहली क्लास है मेरी यूट्यूब पर. जी हाँ, तो डिफरेंसेस बिटवीन फेरा और फेमा के बारे में मैं बात कर रही थी. तो फेरा जो है वो कंपाइल किया गया था काफ़ी सारे प्रोविजंस के साथ, बहुत बड़ा एक्ट था जिसको समझना थोड़ा सा जटिल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोविजन था, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्ट थी उस टाइम पे. और फेमा जो है काफ़ी आसान है, सिर्फ 49 सेक्शंस है और काफ़ी लिबरल है, मतलब इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत मैनेज करने के लिए इसमें रूल्स एंड ऑल डाले हुए हैं. यहाँ पे फेरा में अगर आप देखोगे तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो है काफ़ी कंजर्वेटिव थे, यानी सिर्फ उतना ही जो है रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से चलना, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कोई फ्रॉग इन द वेल, उस टाइप का यहाँ पे जो है सीन था. और फेमा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को बहुत पॉजिटिव और वेलकमिंग नोट से लिया गया था, मतलब हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज आए, वेराज फेरा का जो परसेप्शन था फॉरेन एक्सचेंज आए बट बहुत रेस्ट्रिक्टिव आए ऐसा. और फेरा के जो पेनल्टी प्रोविजंस थे बहुत कठिन थे, मतलब उसमें आपको डायरेक्टली इम्प्रिजॉनमेंट भी दिया जाता था, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे वायलेशंस पे आपको जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. वेरैज फेमा में जो है जनरली मॉनेटरी पेनल्टी दी गई है, मतलब आप अगर कोई वायलेशन करते हो तो प्रोविजंस में जैसा दिया है आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा, कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी पैसों में. सिर्फ अगर आप वो पे नहीं करते हो जनरली तब आपके ऊपर शायद से इम्प्रिजॉनमेंट जो है दिया जाएगा, मतलब आपको जो है जेल जाना पड़े या तो जो है आपको आपकी ट्रेड बार करनी पड़े. तो इस तरीके से जो है थोड़ा लिबरल पनिशमेंट दिया हुआ है फेमा में. और फेरा जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे लागू हो जाती थी, मतलब उसमें सारे ट्रांजैक्शंस को जो है उसने खींच लिया था, वेरैज फेमा में जो है अगर आप देखोगे उसमें ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया गया है स्पेसिफिक कैटेगरीज में और वो उसी के साथ डील करती है जो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, यानी उसका स्कोप जो है उतना ही है और वो उसी में काम करती है, हर एक चीज़ को जो है अपने अंदर वो नहीं ले लेती है, अनलाइक फेरा. तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली फेरा और फेमा के बारे में, यानी हमने लिटरली हिस्ट्री को जो क्यों ये एक्ट आया वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. अब फ्रेंड्स देखिए, मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे के आपको समझा रही हूँ क्योंकि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो हर किसी का, मतलब मैंने जनरली देखा है कि जब भी कोई लेजिस्लेचर पढ़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है ये बहुत कठिन है और वो अपने दिमाग में ये परसेप्शन लेके उसको पढ़ने की कोशिश करता है. पर अगर आप किसी भी एक्ट का बैकग्राउंड समझ लो, आपको अगर पता चल जाए कि वो एक्ट क्यों आई है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वो पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी. मतलब अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से समझ जाओ कि वो क्यों आई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस एरिया में काम करने वाली है, तो आप अगर बेर एक्ट भी डायरेक्टली पढ़ते हो किसी के समझाने के बिना, यानी अगर आपको कोई नहीं समझा रहा है और आप डायरेक्टली बेर एक्ट भी पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा. तो फेमा के मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि क्यों ये एक्ट आया था. अब ये रिप्लेसमेंट एक्ट है इसके लिए इसकी हिस्ट्री इतनी बड़ी है, अदरवाइज जनरली दूसरे एक्ट जो होते हैं वो बेसिक काम के लिए आ जाते हैं, उसकी कोई डेफिनेट हिस्ट्री रहना ज़रूरी नहीं है. ये एक रिप्लेसमेंट एक्ट है, किसी और एक्ट के बदले इसको लाया गया है, इसके लिए इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब फेमा में जो है अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आप फेमा क्या क्या चीज़ों को देखता है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो ये फ्री ट्रांजैक्शंस देता है. अब इसमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, वो डिस्कशन होगा तभी आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस फ्री है, मतलब जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप आसानी से उसे कर सकते हो, कौन से रेस्ट्रिक्शंस है कौन से ट्रांजैक्शंस पे, RBI का कंट्रोल कौन से ट्रांजैक्शंस पे है, और जो भी एक्सपोर्ट आप करते हो उससे जो आपको पैसा मिलता है फॉरेन एक्सचेंज में तो उसके ऊपर किस तरीके का कंट्रोल है, फिर फॉरेन एक्सचेंज जो आप करते हो वो कैसे करना है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके ऊपर अगर आप यहाँ देखोगे ओवरव्यू वाले स्लाइड पे जो आपके सामने है, ऑथराइज्ड पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो फॉरेन एक्सचेंज का, वो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करना चाहिए। अब ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है ये एक्ट में, तो जो भी आरबीआई के पास अप्लाई करता है फॉर बिकमिंग अ ऑथराइज्ड पर्सन, और आरबीआई को लगता है कि ये जो है पर्टिकुलर पर्सन ऑथराइज्ड डीलर या ऑथराइज्ड पर्सन बन सकता है, तो उसे वो औधी दी जाती है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ तो ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज के दलाल वगैरह, फिर जो मनी चेंजर्स होते हैं जो मतलब एक करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज करने में हेल्प करते हैं, या जो ऑफशोर बैंक यूनिट्स होते हैं जो हमारे करेंसीज को एक अगर देश से दूसरी देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना है या उसमें डील करना है, तो ये जो बैंकिंग यूनिट्स होते हैं ऑफशोर, ये सारे के सारे जो है हमारे ऑथराइज्ड पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फिर इसमें कई सारे जो है ऑफेंसेस को किस तरीके से एडजुडिकेट किया गया है उसके बारे में जो है बताया गया है। एडजुडिकेशन का क्या मतलब है कि कोई जजमेंट देना, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर किस तरीके से जजमेंट पास किया जाता है, ये सारा कुछ जो है हमारे इस एक्ट में दिया हुआ है। तो जनरली जो है दूसरे एक्ट्स में ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहे हैं। ये फेमा जो है इसमें 7 चैप्टर है, मैंने बताया था आपको कि ये काफ़ी आसान हमारा एक्ट है, मतलब छोटा एक्ट है, नॉट वेरी बिग, कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा सा एक्ट है। तो इसमें ये 7 चैप्टर्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, जिसको 49 सेक्शन, सिर्फ 49 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 12 सेक्शन अगर आप देखो तो वो ऑपरेशनल पार्ट के हैं, यानी जो हम काम कर रहे हैं ऑपरेशंस हमारे जो डे इन डे आउट चलते हैं उससे रिलेटेड है, किस तरीके से हमको जो है फॉरेन एक्सचेंज लाना है, ले जाना है एंड ऑल। और जो बाकी के हैं वो हमारे अगर हम लोग प्रोविजंस नहीं फॉलो करते हैं तो क्या पेनालिटीज़ है, उसका किस तरीके से एडजुडिकेशन होता है, उसमें हम लोग अगर वो पर्टिकुलर जो जजमेंट हमारे पास आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो अपील कैसे करेंगे, फिर उसमें कौन कौन लोग हैं, कौन से लेवल पे जो एनफोर्समेंट करते हैं, यानी जो रूल्स है उसको सही ढंग से हो रहा है या नहीं काम, जो उन सबको देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बाकी के सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। अभी चैप्टर 1 जो है वो प्रेलिमिनरी है, बेसिक, जहाँ पे डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 में जो है वो रेगुलेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे। फिर चैप्टर 3 जैसे मैंने बोला ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। चैप्टर 4 जो है वो कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनाल्टीज़ के बारे में पूरी तरीके से बात करता है, और बाकी के आगे के चैप्टर्स जो है बेसिकली रिलेटेड जो बाकी के जैसे मैंने बताया एडजुडिकेशन, एनफोर्समेंट और मिसलेनियस छोटे छोटे चीज़ों से रिलेटेड है। अब ये ओवरव्यू हमने ले लिया फेमा किस तरीके का दिखता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फेमा में ट्रांजैक्शंस को 2 तरीके से जो है डिवाइड किया गया है, यानी ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो 2 टाइप के होंगे। अब इसमें जो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, अब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या है ये हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे, पर ये दोनों ही लोगों को ये ट्रांजैक्शंस जो भी डील करते हैं इसमें, ये 2 ग्रुप है ट्रांजैक्शंस के, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब ये 2 ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं तो इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर यूनिट 1 है। नमस्ते जीतू जी, कॉमर्स के लिए क्लास कब से स्टार्ट हुई है मैम? ये फर्स्ट क्लास है, आपका स्वागत है प्रीति पाटिल जी। यहाँ पे आप जो है अपना कॉमर्स यूट्यूब पे पर्टिकुलरली ये चैनल पे अभी पढ़ सकते हो। डेली 12 o'clock मैं आऊँगी, आपके साथ जुड़ूंगी टू डिस्कस द वेरियस टॉपिक्स, और हम लोग जो है MCQs भी लेंगे जिसके ऊपर से हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमें स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करनी रहेंगी जो अगर आप फॉलो करते हो, जैसे एक ऑलरेडी कल 12 बजे स्ट्रीम हुआ था मेरा प्रीमियर, जिसमें मैंने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है, एंड आई होप आप सब लोग अपने जो है या तो डिजिटल नोट या जो है पेपर पेन के साथ बैठे हो सामने मेरे, सो दैट यू कैन पॉइंट डाउन ऑल द थिंग्स। अब ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी थोड़ी देर में, तो आप वहाँ से नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा था कि सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे जो जो हमारे ईयर के बारे में जैसे मैंने मेंशन किया था, अलग से सारे ईयर्स और उसके इवेंट्स आप नोट करते जाओ, उसमें सबसे पहला आपको ये ऐड करना है फेमा का ईयर और ये कौन सी डेट से जो है लागू किया गया था, राइट? जी, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ये ट्रांजैक्शंस जो है बेसिकली अगर किसी के भी एसेट या लायबिलिटी को चेंज करते हैं, मतलब कोई भी एसेट या लायबिलिटी
ज़रा भी अगर चेंज होता है किसी ट्रांजैक्शन के कारण, तो वो जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। अब ऑब्वियसली ये बात मैं करूँगी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही, मैं नॉर्मल हमारे इंडियन बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम लोग सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन है जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, इन तीनों चीज़ों को अगर वो चेंज करता है, यानी अगर वो अल्टर करता है हमारे हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को आउटसाइड इंडिया। अभी देखो ये चीज़ जो है, अगर आपको डेफिनेशन कन्फ्यूज़ कर रही है तो मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो सोचो आप यहाँ पे हो, इंडिया के रेसिडेंट हो, ठीक है, और आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंडिया के बाहर, राइट, इंडिया के बाहर कर रहे हो तभी वो फॉरेन एक्सचेंज हुआ, करेक्ट। तो अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो और फॉरेन एक्सचेंज का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसके वजह से आपका एसेट या लाइबिलिटी जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। या अगर आप बाहर से हो, यानी आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हो, आप इंडिया के बाहर के रेसिडेंट हो, यानी आउट ऑफ इंडिया से हो आप, और आप जो है वहाँ रहकर इंडिया के कोई ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हो और आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज उसके कारण चेंज हो रहे हैं, तो इस दोनों ही स्थिति में, इस दोनों ही परिस्थिति में आप जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो। समझ में आ गया फ्रेंड्स, इंडियन रेसिडेंट और इंडिया के बाहर डील कर रहे हैं और उसका एसेट लाइबिलिटी चेंज हो रहा है, वेरैज इंडिया का बाहर का मतलब इंडियन रेसिडेंट नहीं है वो, और वो इंडिया के अंदर कोई चीज़ें जो है डील कर रहा है, इंडिया के अंदर उसके कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण उसकी एसेट और लाइबिलिटी चेंज हो रही है, तो इस स्थिति में वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है कोई लोन ले रहे हो फॉरेन करेंसी में, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। आप गारंटी दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ रहा है। आप कोई सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, सिक्योरिटी जानते हो ना आप, जैसे एग्जांपल इक्विटी है वो एक सिक्योरिटी है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अगर ट्रांसफ़र या इशू कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन अगर आप समझ जाते हो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को समझना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन इंक्लूसिव दी गई है और कहा गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट नेचर का नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाएगा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी एक्सपेंडिचर, वो अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा है तो वो हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अब इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो अगर सपोज आपने लोन लिया है तो वो करंट सॉरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, पर उस लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, वो लोन लिया आपने और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाएगा। सो सिंपल, राइट? तो पेमेंट जो हम फॉरेन ट्रेड से या बिजनेस रिलेटेड करते हैं या कोई भी शॉर्ट टर्म बैंकिंग चीज़ें करते हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमको लगती है जनरली, जैसे अगर आप बेसिक सिनेरियो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में भी अगर आप देखो तो करंट अकाउंट जब आप बनाते हो और कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट यानी आपका जो डेली ऑर्डिनरी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है, सेल परचेज या उससे रिलेटेड कोई भी बैंक से शॉर्ट टर्म चीज़ें जो आपकी चालू रहती है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह आपको जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, ये सारा जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है ये सारा आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के बाहर और उससे आपको इनकम मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा कैपिटल अकाउंट है। अभी जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा जो है अगर कोई सेल होता है तो उससे हमारा एसेट या लाइबिलिटी तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए वो करंट अकाउंट में आ गया। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो इनकम आता है वो आप कहाँ दिखाते हो? आपके रिसीट्स में, या आपके जो है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करो तो आपके राइट हैंड साइड पे दिखाते हो, यानी आपके प्रॉफिट साइड पे दिखाते हो, यानी आपके इनकम साइड पे दिखाते हो, तो ये भी आपका जो है बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम नहीं। अब यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी मैं बोल रही हूँ तो आपका अलार्म जगना चाहिए कि मैं बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूँ, यानी बैलेंस शीट में जहाँ पे भी आपके डिफरेंसेज आपको दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा? जो हमारा रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले ट्रांजैक्शंस, हमारे जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रहे हैं, हमारे जो लोन्स पे इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, या हम अगर कोई एक्सपेंसेस जैसे कोई अपने पेरेंट्स के लिए पैसे भेज रहा हो, अपने स्पाउस के लिए पैसे भेज रहा हो, बच्चों के लिए पैसे भेज रहा हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हम रेमिट करते हैं ये सारा भी करंट अकाउंट में आएगा।
फिर कोई फॉरेन ट्रैवल है, एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया नहीं है। उसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है, बीट एक्सपेंडिचर और इनकम, ये सारा जो है कैपिटल अकाउंट अगर नहीं है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आता है, तो वो सारा हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। राइट, बहुत आसान है ये समझना। अभी इसमें कंप्लायंसेस ये है कि इसमें स्केड्यूल्स दिए गए हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है, यानी हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें रूल 3 में, स्केड्यूल 1 में इसका लिस्ट दिया हुआ है, जो आप जाकर, अगर आपको बहुत ही इच्छा है जानने की, तो आप डेफिनेटली जान सकते हो। ऑफलाइन अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे ये बहुत सारा डेटा हो जाएगा फॉर यू ऑल टू सिंक इन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या क्या है ये याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और हमारे सिलेबस में भी बेसिकली ये नहीं है। बट ये जानना ऑब्वियसली अच्छा है। मैं जनरली मेरे स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई करना है, एग्जाम पास करना है, इसीलिए नहीं पढ़ो। आप इसीलिए पढ़ो कि आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सको, आप एक नॉलेज गेन कर सको, आप जो है कुछ बेटर कर सको लाइफ में। सिर्फ एग्जाम पास करके जो है, आप अगर उसके लिए ये सब चीज़ें मगअप कर लोगे, तो वो तो पोपट भी करता है, पैरट भी ये करता है कि वो चीज़ें ये रट लेता है और एग्जाम दे देता है, तो वो पास हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब आप उसको कुछ रटा दो और वो उससे बुलवा लो, तो वो बोल देता है। बट आप अगर उसको समझ के हमेशा के लिए याद रखोगे, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, क्योंकि आप डेफिनेटली एग्जाम पास करके कुछ ना कुछ आगे करोगे। जैसे अगर आप लेक्चरर बनते हो, या अगर आप PhD कर रहे हो, या कुछ भी आप करते हो, कोई जॉब एंड ऑल, तो उसमें ये नॉलेज आपके बहुत बहुत काम में आएगी। अगर आप पेपर 1 में भी टीचिंग पढ़ रहे होंगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग भी दी गई है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और उसको एप्लीकेबल वे में उसको समझना, कि आप समझ कर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हो कहीं पे, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अगर इच्छा रखते हो पढ़ने की, तो आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने के लिए, और आप अंदर से ज़्यादा बेटर फील करोगे। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन इन एंड आउट, अंदर और बाहर दोनों ही जगह से। जीतू जी, आप हिंदी मीडियम से हो, तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीज़ें समझा लूँ, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे जो है आसानी से ये समझ जाए। तुषार जी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी रिलेट करता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है ओवरऑल। तो जब हम यूनिट 1 में और भी चीज़ें जब कवर करेंगे, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है डिस्कस किया जाएगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कौन से अलग अलग जो है ट्रांजैक्शंस है, जो टोटली प्रोहिबिट किए गए हैं, यानी बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। कौन से जो है ट्रांजैक्शंस है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, और ऐसे कौन से जो है ट्रांजैक्शंस जो आपको RBI के अप्रूवल के साथ ही जो है कर सकते हो। और सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है वो फ्रीली परमिटेड है, यानी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ये 3 अलग अलग जो है चीज़ें हैं, 3 अलग अलग डिविजन्स है, जहाँ पे टोटली आप नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा, और तीसरा जो है जहाँ पे आपको RBI का अप्रूवल लगेगा। तो आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर स्लाइड समझ में आ गया है, क्योंकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे अगर आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट आप जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना करो। साधु कुमार जी, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाए, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। जी ज़रूर, इसके ऊपर वीडियो आगे बना दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हम तो ये टॉपिक अभी डिस्कस जो कर रहे हैं फेमा, आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। जी ठीक है, थैंक यू रुचिका जी, जीतू जी, पीहू जी, आपको ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस तो हमने समझ गया। अब मैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतना जोर दे के आपको इसीलिए समझा रही थी, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका था। देखिए, अथॉरिटीज़ और एनफोर्समेंट की बात की गई है, यानी कौन सी अथॉरिटीज़ है जो
इस पर्टिकुलर फेमा एक्ट जो हमारा है इसके ऊपर काम करती है और कौन से एनफोर्समेंट यानी जो चीज़ें हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं, उसको एनफोर्स किया जा रहा है या नहीं, जिस जो इसका ध्यान रखती है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फेमा जो है ना बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। जैसे आपने देखा इसमें बहुत कम सेक्शंस है, 49 सेक्शंस में आप सोचिए फॉरेन एक्सचेंज पूरा अगर आ जाता होगा तो कितनी बढ़िया बात होती है। तो ये एक आइसोलेटेड लॉ नहीं है, इसमें बेसिक प्रोविजन सारे लॉ में दिए गए हैं, बट टाइम टू टाइम इसमें जो है नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आए दिन नोटिफिकेशंस इसमें आते रहते हैं। तो नोटिफिकेशंस की लिस्ट है जो हर साल कभी कभी जो है नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। तो ये फेमा जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में स्प्रेड किया गया है, द प्रोविजंस जो है वो काफ़ी प्लेसेस में जो स्प्रेड किए गए हैं और वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हमारी बनी गई है। अभी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे RBI। तो हमारा RBI यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है, कौन? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये रेगुलेशंस बनाता है फेमा के लिए, नियम कानून बनाता है फेमा के लिए, और रूल्स जो है वो बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा एक्ट है फेमा, राइट, ये हमारा पार्लियामेंट में पास किया हुआ एक्ट है। अब इसमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जो हमारे ऑफिशियल गेजेट में दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन इशू होता है, जैसे अगर आप अभी देख रहे होंगे तो मुझे लगता है सभी लोग अपडेटेड होंगे कि कोरोना वायरस से हर एक स्टेट में अलग अलग नोटिफिकेशन इशू किए जा रहे हैं अलग अलग नियमों के लिए, क्योंकि कोई कोई स्टेट में छूट दी जा रही है, कोई कोई स्टेट में स्ट्रिंजेंट हो गया है बाहर निकलना। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जैसे आप चेक करते रहते हो, तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं स्पेशली जो ऑथराइज्ड पर्संस है और जो लोग फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही काम करते हैं, जो बिजनेस ओनर्स है या जो इंडिविजुअल्स है, तो ये लोग भी आए दिन नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं। अब ये नोटिफिकेशंस दो तरीके से आते हैं, पहला है रूल्स। तो जो भी हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है उसके लिए रूल्स इशू किए जाते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जनरली फ्रीली परमिटेड है, जैसे हमने पिछले साइड में देखा था कि वो फ्रीली आप लोग जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अब वो रूल्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स याद रखिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स निकालती है। अब दूसरा है रेगुलेशंस, जो हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए निकाले जाते हैं। तो रेगुलेशंस जो है वो पास करेगी हमारी RBI। RBI कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, और वो जो है करंट अकाउंट से रिलेटेड है। तो ये सारा कुछ जो है सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे पास आ जाता है। फ्रेंड्स इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, आपको जानना ज़रूरी है। तो रूल्स याद रखिए, वापस मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स आते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वो होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। रेगुलेशंस होते हैं हमारे RBI ने इशू किए हुए होते हैं और वो जो है होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हमारे पास एनफोर्समेंट मशीनरी दी गई है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि मैंने कहा था एडजुडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हमारे पास जो है कोई डिस्प्यूट आते हैं तो उसके लिए कोई जजमेंट पास करना बहुत ज़रूरी है। बट अब एनफोर्समेंट ही नहीं होगा तो कैसे कोई एक्ट सामने आएगा आपके। तो एनफोर्समेंट का क्या मतलब है? एनफोर्समेंट जो है वो कोई भी प्रोविज़न को कंपेल करना और उस प्रोविज़न को प्रॉपरली लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं उसको ऑब्जर्व करना, तो इसे कहेंगे हम एनफोर्समेंट। अगर हिंदी में एनफोर्समेंट आप को समझना चाहते हो तो लागू करना। तो कोई भी एक्ट को, कोई भी रूल को, कोई भी नियम को, एक्ट को बेसिकली अगर लागू करना है तो उसके लिए एनफोर्समेंट मशीनरी का रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस एक्ट में ये पर्टिकुलर 7 एनफोर्समेंट मशीनरी दिए गए हैं, 8 बेसिकली, जिसमें से एक एनफोर्समेंट मशीनरी के ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये जो है आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप हर एक मशीनरी का नाम याद रख लो, बट आपको बेसिकली इसमें कौन सा एनफोर्समेंट जो है अथॉरिटी क्या करता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। जीतू जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल पे पहुँच जाओगे। मैं जल्द ही ये क्लास, ये सेशन ख़त्म होने के बाद आपको इस PPT, ये नोट्स के जो है शेयर कर दूंगी वहाँ पे, सो दैट आप इसका लाभ ले सको।
तो एनफोर्समेंट मशीनरी में सबसे पहले है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है प्रोविजंस। तो जो भी एक्ट है हमारा जिसके 49 सेक्शंस है उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं ये इसको इन्वेस्टिगेट करता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है और इट इज़ कंसर्न विद द एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये प्रोविजंस के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है और उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा ये। यहाँ पे आप ये हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरा टच जो है थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्रोविजन से डील कर रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करेगा हमारे प्रोविजंस को, जो भी हमारे एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। पर क्यों? सो दैट कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो लीकेज आते हैं, मतलब जनरली जो माल प्रैक्टिसेस लोग करते हैं ना, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ वहाँ पे सल्टा देना एंड ऑल, ये सब चीज़ों को ना हो, इनका प्रिवेंशन किया जाए, इसीलिए ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यहाँ पे लाया गया है। सेकंड है हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि जहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट आता है उसको एडजुडिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी डिस्प्यूट के टाइम पे अगर आप ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हो, ये आपको नोटिस देती है जिसके खिलाफ या जिसके लिए बेसिकली डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जिसके वजह से या जिसने प्रोविजंस जो भी दिए हैं उसका पालन नहीं किया है, उसको कॉन्ट्रवेंट किया है, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो उसको नोटिस देती है। ये है हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके बाद है हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब तीसरा जो है हमारा वो है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा ये डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे हम तानाशाही तो नहीं चला सकते। तो देखिए, अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर कोई नोटिस या ऑर्डर दिया गया है, यानी हमारी जो ये ऊपर वाली अथॉरिटी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसने कोई नोटिस दिया है एक्स पर्सन को और उसे लगता है जैसे एक्स ने कोई प्रोविजन नहीं पालन किया है इसीलिए उसके ऊपर नोटिस आ गया, बट एक्स के पास अपना एक जो है परसेप्शन है, उसका अपना एक जो है जस्टिफिकेशन है जो वो बता सकता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ये आपका मिसकंसेप्शन है, ये आपको गलत फहमी हुई है। तो वो जो है एनी पर्सन जो ये ऑर्डर या ये नोटिस से अग्रीव्ड है, जिसको लगता है कि नहीं ऐसा मैंने नहीं किया है, तो वो जो है ये स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकता है। तो एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो जो है स्पेशल डायरेक्टर के पास जाकर अपील कर सकता है, उनको कह सकता है कि भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास इसके लिए जस्टिफिकेशन है। सुमन जी गुड आफ्टरनून। देन नेक्स्ट हमारा जो है अगर आप देखोगे अथॉरिटी तो वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर। अब क्या हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ना वो हमारी सपोज कर लो मम्मी है और स्पेशल डायरेक्टर्स हमारे पप्पा है, तो मम्मा ने कुछ बोल दिया और आप जो है उनकी कंप्लेंट ले गए पप्पा पास, तो ये मम्मा वाला जो है चीज़ पप्पा के पास ले गए पर पप्पा ने भी बोला नहीं भैया मैंने हाथ उठा दिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और अब आपको लगता है कि अभी भी मेरे ऊपर जो है ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आप अपने दादा दादी के पास जा सकते हो, विच इज़ एपिलेट ट्रिब्यूनल। देखिए आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर्स अपील है, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल में क्या हो रहा है, कोई भी इंसान कोई भी पर्सन अग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर मेड बाई द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स कैन प्रिफर एन अपील टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परेशान होकर स्पेशल डायरेक्टर के पास जाओ, आप डायरेक्टली एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जो है जा सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ RBI, ये फिफ्थ वाला हमारा अथॉरिटी है। इससे पहले 31 जैन 2004 के पहले जो है इसको एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, पर अब इसको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ RBI के नाम से जो है जाना जाता है। इसके पास बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, सो दैट ये तो एक्सटेंसिव पावर्स जो है इनके पास अवेलेबल है टू ऑथराइज द डील, मतलब जो भी बैंक्स है जो ये फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं जिसको हम ऑथराइज डीलर्स के नाम से जानते हैं, ये इनके ऊपर जो है अपना काबू रख सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इट कैन बी परचेस्ड फॉर प्रैक्टिकली ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ करंट नेचर। तो इससे क्या होगा कि
पावर्स जो है दैट आर अवेलेबल। तो ये सारे बैंक्स के पास जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनके पास पावर्स दे दिए गए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो है वो एक्सटेंसिव पावर्स दे देता है बैंक्स के पास। तो बैंक्स जो ऑथराइज डीलर्स है, सारे बैंक्स नहीं, जो ऑथराइज डीलर्स है बेसिकली, जिनको ऑथराइज डीलर्स का ओहदा मिला है, वो उनके पास ये पावर्स होने के कारण फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, जो भी करंट अकाउंट फ्रीली किया जा सकता है ट्रांजैक्शन, वो आसानी से उसमें डील कर सकते हैं। वरना क्या होगा, कोई भी उनके पास आता है तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम चला जाएगा और वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए उनके पास वो पावर दे दिए गए हैं और उसको फिर जो है ये फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो है देखता है और कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, FIIA। तो FIIA जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, और ये जो है इसीलिए सेटअप किया गया है क्योंकि ये जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हम कवर करेंगे। तो FDI जब से आया है उसके ऊपर मुझे याद है जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था FDI, तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी थे, बट FDI का आना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा मार्केट फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था, और इसीलिए FDI के लिए अप्रूवल्स जो है वो हमें सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो नेक्स्ट हमारी अथॉरिटी है, अगर आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB जो यहाँ पे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रपोजल आता है। तो FIPB के बारे में पहले जान लेंगे और फिर वापस FIIA के बारे पास जाएंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट बॉडी है जो एक सिंगल विंडो, मतलब एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पे अनअकैडमी पे आप देखते हो ना, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सब कुछ ले सकते हो, उसी तरीके से ये एक सिंगल विंडो है जहाँ पे कोई भी FDI का प्रपोजल इंडिया का आता है तो ये लोग उसको देखते हैं। ये गवर्नमेंट बॉडी है दैट ऑफर्स अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्रपोजल्स ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया दैट आर नॉट अलाउड एक्सेस थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब देखिए FDI में जो है ना ऑटोमेटिक रूट है, डायरेक्टली आप आ सकते हो, अगर वो रूट से आप नहीं आ पा रहे हो तो जो भी आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं वो आप FIPB के पास जाते हो। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो लोग जो है कंसिडर करते हैं रिकमेंडेशंस FIPB के, जो भी प्रपोजल्स FDI के लिए आते हैं वो FIPB रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और वो हिसाब से उनको इजी अप्रूवल्स मिल जाते हैं। अब ठीक है, ये अप्रूवल मिल गया, अभी अप्रूवल कहाँ जाएगा, FIIA के पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, जो यहाँ पे ये वाला है हमारा FIIA, तो वहाँ पे जाएगा जो हमें ये अप्रूवल को इंस्टेंट ट्रांसलेट करके इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। यानी क्या होगा, अप्रूवल मिल गया, ठीक है, यानी आपको घर पे से पिकनिक जाने की परमिशन मिल गई। अब पिकनिक जाने के लिए आपको क्या क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, सामान लगेगा, तो ये सारा चीज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट करता है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी FIIA। और जो सिंगल विंडो क्लियरेंस देता है अप्रूवल्स के लिए वो कौन सा है, FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला अथॉरिटी है, द अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग्स। तो ये जो भी सारे रूलिंग्स है जो रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस के लिए आती है उससे डील करता है। तो ये थे हमारे बेसिकली एनफोर्समेंट मशीनरी। अब ये रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब फेमा फ्रेंड्स अगर आप देखो ना, तो ये क्या प्रोहिबिट करता है, तो जैसे हमने देखा कि प्रोहिबिशंस दिए गए थे ट्रांजैक्शन के लिए रूल में ऊपर पिछले साइड में, अगर आप जाकर देखोगे यहाँ पर बताया गया है कि स्केड्यूल वन सेज के काफ़ी ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते आप। तो उसमें सबसे पहला ये है कि मैं आपको जस्ट दे रही हूँ, ये पूरा लिस्ट नहीं है, तो डीलिंग्स इन या ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, यानी जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज से डील कर रहे हो, फॉरेन सिक्योरिटी से डील कर रहे हो, पर अगर आप ये कर रहे हो कोई ऐसे पर्सन के साथ जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, तो जैसे मैंने कहा हर एक डीलिंग जो होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो ऑथराइज्ड पर्सन से ही होनी चाहिए। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग जो आपका होता है ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी और के साथ, तो वो प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हो आप, इट इज़ नॉट अलाउड।
देन दूसरा है मेक एनी पेमेंट अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. यानी बेसिकली कोई ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, फिर कोई पेमेंट की बात की जा रही है, या कोई आप पर्सन से रिसीव कर रहे हो पैसे, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील कर रहे हो. तो ये चार कैटेगरीज है यहाँ पे. क्या है? डीलिंग इन या ट्रांसफ़र, फिर कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई पैसा रिसीव कर रहे हो, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील कर रहे हो. ये सब कुछ अगर आप करते हो अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन तो वो प्रोहिबिटेड है, इट इज़ नॉट अलाउड. तो ये याद रखिएगा, ऑथराइज्ड पर्सन ही है जिसके साथ आप ये फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस जो है कर सकते हो. अब यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन, जैसे मैंने कहा था कि इट इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक, तो ऑथराइजेशन रिजर्व बैंक से ही लिया जाता है. उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसीजर है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो लोग चेक करेंगे और उसके बेसिस पे आपको जो है वो पर्टिकुलर लाइसेंस दिया जाएगा फॉर बिकमिंग एन ऑथराइज्ड पर्सन. तो ये जो है बेसिकली फेमा के प्रोविजंस हैं. अब कब से हम लोग जो है पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन जनरली अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखो तो इट इज़ समवन, कोई इंसान जो है, जैसे आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली डेली टर्म्स में हम बात करते हैं वो पर्सन है. पर जनरली हर बार जब एक्ट के में, एक्ट के अंदर कोई कोई वर्ड्स जब आप देखते हो ना, तो उसका डेफिनेशन देखना इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ. अब यहाँ पे पर्सन का जो डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, जीतू जी क्या इसके लिए कोई अलग सा एक्ट है क्या? तो हम वो अलग एक्ट ही जो है डिस्कस कर रहे हैं. फेमा इज़ ऑल टुगेदर अ एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, राइट? तो पर्सन यहाँ पे डिफाइन किया गया है. तो इसमें प्रोविजंस में जहाँ पे भी आप पर्सन देखोगे तो वो ये सारे लोगों को इंक्लूड करेगा. कौन? एक इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, कंपनी, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी BOI, यानी उसका इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो भी चलेगा. फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है AJP, वो भी इसमें आता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंडिविजुअल, HUF, फिर कौन है हमारे, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फिर AOP है, देन हमारा BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देन हमारा AJP है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है. और कोई भी एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच जो ऐसे पर्सन को कंट्रोल करता है, ओन करता है उसको या उसको कंट्रोल करता है. तो ये सारे लोग पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं. तो पर्सन यानी आप या मैं सिर्फ नहीं, पर्सन यानी ये सारे लोगों को इंक्लूड करके कहीं पे भी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो ये सारे पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे. तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस दो जगह पे आपको जो है सुनने को मिलेगा. दो जगह कहाँ पे है? एक तो ये यहाँ पे फेमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे आ रहा है. सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दूसरा है यूनिट 10 में, जहाँ पे हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करेंगे. वहाँ पे भी रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत महत्वपूर्ण है. जब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पता करते तब तक आप आगे के प्रोविजंस को जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे कैसे डिटरमाइन किया गया है. तो यहाँ पे फ्रेंड्स, रेसिडेंट अगर आपको है या नहीं पता करना है तो उसमें दिया गया है दो. सबसे पहले तो ये जानना है कि वो कितने दिन यहाँ पे रह चुका है. अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा यहाँ पे रहता है, हाँ रहता है, तो हमें चेक करना है तीन कंडीशंस को कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें ये देखना है. तो अभी सपोज़ फाइनेंशियल ईयर हमारा, अगर हम लोग अभी अप्रैल में हैं, तो हम लोग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में जा रहे हैं. या अगर हम लोग पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें, क्योंकि जनरली हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 20, ये 12 मंथ्स में अगर वो 182 डेज में यहाँ पे रहा है इंडिया के अंदर, हाँ, तो हमें तीन कंडीशंस आगे और चेक करनी पड़ेगी कि तुम इंडिया में 182 डेज तो रहे हो, ओके फाइन, पर तुम इंडिया के बाहर उस जब गए हो तब क्यों गए हो? एम्प्लॉयमेंट लेने गए हो, यानी आप बाहर काम करने गए हो, या कोई बिजनेस के लिए गए हो, या कोई लंबी छुट्टी के लिए गए हो, या कोई ऐसे काम के लिए जो
मतलब कोई ऐसी चीज़ के लिए गए हो जहाँ से तुम्हारा वापस आना डिफाइन नहीं है, मतलब कब आओगे तुम्हें नहीं पता। ये तीन कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस या लंबी छुट्टी के लिए, या ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कब आओगे, राइट। तो ये तीन चीज़ें चेक करनी है। अगर तुम 182 डेज़ के लिए इंडिया में हो बट तुम बाहर गए हो फॉर ऑल दिस, फॉर एनी ऑफ दिस, मतलब ये तीन में से कोई एक चीज़ के लिए बाहर गए हो, ये तीन में से कोई भी एक चीज़ के लिए बाहर गए हो, अगर हाँ तो आप नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट नहीं हो। बट अगर नहीं, आप बाहर गए हो बस छोटी सी, अब जैसे 1 महीने के लिए गए, भले ही एम्प्लॉय ने तुमको भेजा है बट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गए हो, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गए हो थोड़े टाइम के लिए, या समझो घूमने गए हो 15 दिन के लिए, या कोई ऐसी चीज़ के लिए गए हो जैसे आपकी कोई वहाँ पे रिलेटिव है, वहाँ पे कोई फंक्शन है, तो तुरंत आप 10-15 दिन में वापस आने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में आप रेसिडेंट हो क्योंकि आप 182 डेज तो रहे हो यहाँ पे और उससे ज़्यादा, बट ये थोड़े से टाइम के लिए बाहर गए थे पर वापस आ चुके हो, राइट। तो ये है आप रेसिडेंट हो। अगर नहीं, ठीक है, आप ये तीन चीज़ों के लिए गए हो जो मैंने बताया कि बाहर काम के लिए गए हो, मतलब समझो आप अगर 11 महीने भी यहाँ पे रहे हो, ठीक है, बट आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए लास्ट के, यानी मार्च में आप गए बाहर, पर ये तीन चीज़ों के लिए बाहर चले गए, तो आप जो है नॉन रेसिडेंट माने जाओगे, बट आप 182 डेज ही थे यहाँ पे और ये तीनों में से कोई चीज़ के लिए बाहर नहीं गए थे, ऐसे ही छोटी सी चीज़ के लिए बाहर गए थे, तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। फिर फ्रेंड्स 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे 182 डेज से भी कम हो, पर अगर, सुनिए ध्यान से, पर अगर आप यहाँ पे आए हो इंडिया में वही तीन चीज़ के लिए जो मैंने पहले यहाँ पे डिस्कस की, वही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया में आप आए हो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई कंपनी यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कर रही है, या आप बिजनेस के लिए यहाँ पे आए हो, या यहाँ पे आप आए हो लंबे समय के लिए जो आपको पता ही नहीं है वापस आप कब जाओगे, तो ये स्थिति में भले आप 182 डेज के लिए यहाँ पे थे या नहीं, उससे कम भी होंगे, तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। बट अगर आप जो है 182 डेज से कम हो और ये तीन चीज़ों में से कोई चीज़ के लिए नहीं आए हो इंडिया, ऐसे ही घूमने आए हो जैसे आप बाहर घूमने जाते हो, वैसे कोई बाहर का बंदा फिरंगी यहाँ पे आया है घूमने के लिए, तो वो रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए पर्पस ऑफ स्टे इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों आप इंडिया में हो या क्यों आप इंडिया के बाहर हो, ठीक है। आपका पर्पस जो है वो अगर ये तीन चीज़ों में से एक नहीं है, इंडिया के बाहर आप ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ के लिए नहीं जा रहे हो तो आप रेसिडेंट हो, पर आप ये तीन चीज़ों के लिए जा रहे हो तो आप नॉन रेसिडेंट हो, और कोई बाहर का बंदा है जो इंडिया में आया है ये तीन चीज़ों के लिए तो वो रेसिडेंट हो गया, या नहीं आया है इन तीन चीज़ों के लिए, 182 डेज से कम रहा है यहाँ पे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, पर ये तीन चीज़ें उसकी क्राइटेरिया नहीं है तो वो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। हाँ, कोई पार्टी अटेंड करता है तब, डिम्पल जी एकदम बढ़िया, या कोई मैरिज के लिए, एकदम करेक्ट। बैंक और यूजीसी दोनों का ही आसान ही है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझा देते हैं, आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू करते हो या खुद सॉल्व करके करते हो तो तभी आप जो है मैथ्स मैथ्स को आसान समझ सकते हो। मुझे बचपन से ये एक चीज़ कही गई है फ्रेंड्स जो मैं अभी भी सही समझती हूँ कि देखिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को देखते हो और आपको लगता है ये डिफिकल्ट है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर आप उसको एक बार समझ लेते हो तो आपको वो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है, तब आपको लगता है अरे यार ये इतना इजी था, मैंने इसको इग्नोर क्यों किया इतने टाइम से। तो मेरी यही आपको जो है रिकमेंडेशन रहेगी कि मैथ्स इज़ ईजी बोथ द वेज, दोनों ही जगह पे आसान है, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है लास्ट हमारा जो है डिस्कशन टॉपिक था ये पर्टिकुलर आज के वीडियो के लिए, इसको वापस एक बार दोहरा लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए पर्पस ऑफ स्टे इम्पॉर्टेंट है। पर्पस कैसे पता चलेगा, देखिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ इंडिया आए हो, बिजनेस के लिए आए हो, या लंबी छुट्टियों के लिए आए हो, या जो है आप यहाँ आए हो जिसका आपको पता ही नहीं वापस कब जाओगे, ये तीनों स्थिति में अगर आप यहाँ पे आए हो इंडिया में तो आप रेसिडेंट माने जाओगे, भले ही आप 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करते हो या नहीं, और अगर नहीं तो फिर आप नॉन रेसिडेंट हो, और अगर आप 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करते हो और
ये तीन चीजों के लिए इंडिया के बाहर गए हो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, लंबी छुट्टी, या तो ऐसे चीज के लिए जिससे आपको पता ही नहीं है कि आप वापस कब आने वाले हो, अनसर्टन है आपका वापस आना, पता ही नहीं है आपको। तो ये तीन स्थिति में अगर आप बाहर जाते हो तो आप जो है नॉन रेसिडेंट माने जाओगे। और अगर आप ये तीन स्थिति के लिए नहीं, कोई और काम के लिए जाते हो, जैसे यहाँ पे डिम्पल जी ने बताया, तो फिर आप जो है रेसिडेंट माने जाओगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है पता करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। फेमा से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम आगे आने वाले सेशन में जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बिकम अ बेटर पर्सन बाय एजुकेशन, डोंट जस्ट मग अप एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेट्स क्रैक NTA UGC NET। ये चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपका फेमा जो है ये पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हो चुका है, आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अगर कोई आपके डाउट्स है जो यहाँ पे अगर मैं नहीं कवर कर पाई तो आप पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम आपको डेफिनेटली जो है बताएंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। एंड या सबसे इंपॉर्टेंट, SN11, ये कोड याद रखिएगा, SN11 ये मेरा कोड है विच इज़ फॉर डिस्काउंट ऑफ 10%। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अन अकेडमी पे, SN11 से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, नीचे लिंक दिया गया है जहाँ पे मैं नोट्स एंड ऑल शेयर करूँगी आपके साथ, वहाँ पे भी आप जो है अपने एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।